नेपाल सरकार ने भारत से खाद्य सामग्रियों की खरीद पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद से सरहद पर बसे लोग परेशान हैं। नेपाल की अधिकांश आबादी खाने पीने के सामानों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है, जिसकी वजह से अररिया, जोगबनी, फॉरबिसगंज के बाजारों में रौनक रहती है। लेकिन इस फरमान से कारोबार को चोट पहुंचा दी है, जिसका चारों ओर विरोध हो रहा है। वैसे तो भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन सरकार के इस फैसले से आम नागरिक नाराज हैं और बॉर्डर पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। इन लोगों का कहना है कि बाजार से लौटने के दौरान नेपाल सशस्त्र बल ने सामान सप्लाई पर अचानक रोक लगा दी, जिसके बाद इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और नेपाल सशस्त्र बल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। नेपाली नागरिकों का कहना है कि सरकार को इस प्रकार की नाकेबंदी करने से पहले अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए था। थोड़ा काम करने दे रहा था, ठीक है, अभी पूरे ठप्पे बंद कर दिया है। बताइए, कौन ठप किया? नेपाल सरकार, क्या कह रहा है?